अब मैं अपने प्यार को अपने दिल के अंदर छुपा के नहीं रख सकता। अपने प्यार को अपनी आंखों के सामने किसी और का होते हुए नहीं देख सकता। मैं जोश की शादी प्राची से होने नहीं दूंगा। ये मैं क्या करूं? लेकिन मेरे पास और कोई चॉइस नहीं। अपने आंख भर के हाथ में रखे। तुम्हारी छोटी बहन की भी शादी हो रही है, हम दोनों भी कर ले शादी। तो जा रहा वक्त चला आगे बढ़ा। राघव ये तो ये तो क्या बोल रहे हैं? वाह राघव वाह, जस्ट बिकॉज मैंने तुम्हारी चोरी पकड़ ली अब तुम सारा इल्जाम मुझ पर लगा रहे हो, क्या चाल चली है? ये चाल चलने की आदत ना मेरी नहीं है, तुम्हारी है, वो भी पुरानी। तुम्हारे एक्स को अपने सब कुछ कन्फेस कर दिया। राघव तो क्या बोल रहे हो? व्हाट्स गोइंग ऑन? बोलना। हाँ प्राची, राम अंकल और प्रिया आंटी की डेथ। वो आग से बब्बर नहीं लगवाई थी जिसकी वजह से राम अंकल और प्रिया आंटी की डेथ हुई थी। प्राची मेरे इमोशंस, मेरी फीलिंग्स, जो भी मैं तुम्हारे लिए फील करता हूँ ना, मैं कभी तुमसे कह ही नहीं पाया। हमेशा वो शायरी के थ्रू तुम तक पहुंचाने की कोशिश की है। एंड यू नो व्हाट प्राची, मैं अपना प्यार तुम तक पहुंचा चुका हूँ, पर खुद कहकर नहीं, जोश के थ्रू। लेकिन प्राची अब मैं थक चुका हूँ यार, मैं थक चुका हूँ अपने प्यार को छुपाते छुपाते। बस मैंने सुना है कि मेरे पापा मम्मी को शादी के बाद प्यार हुआ था और उनका प्यार आज तक यादगार है, एक मिसाल है। प्यार के कई रूप कई रंग हैं। मेरी बहन मेरी पीहूदी को उनका प्यार उनके बेस्ट फ्रेंड में मिला, जिससे वो हमेशा लड़ती झगड़ती रही। शायद उनका प्यार लड़ाई में बेस्ट एक्सप्रेस होता है। एंड एज फॉर मी, मुझे प्यार की वजह से अपना बेस्ट फ्रेंड वापस मिला। वो कहते हैं ना कि मेरे चेहरे की मुस्कुराहट उसकी जीने की वजह है, और मेरे लिए तो वही मुस्कुराहट है। कहते हैं कि जब बारिश होती है तो ऊपर बैठा कोई या तो रो रहा है या फिर खुशी के मारे सेलिब्रेट कर रहा है। आई एम श्योर आज तो पक्का ऊपर सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि जब हम सब खुश होके एक साथ होते हैं ना तो बड़े अच्छे लगते हैं। ये है असली प्यार का फलाफल, जिस प्यार में आप कभी नहीं हार नहीं मानते हो। प्यार अगर किया तो राघव के जैसा किया। जो प्यार में ट्विस्ट आता है, चैलेंजेस आती हैं, मगर प्यार के लिए राघव ने लड़ाई करते गया 3 साल से। राघव को क्या नहीं किया एलके ने? एलके ने राघव को धक्का मार के निकाल दिया जब राघव ने पहली बार प्राची के लिए उसका मोहब्बत का प्रपोजल बोला था 3 साल आगे। ये होने के बाद भी राघव प्राची के साथ नहीं छोड़ दिया। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे राघव और प्राची हैं, जिनमें जब आप प्राची की जैसे किसी को प्यार करते हो या राघव की जैसे किसी को प्यार करते हो, और इल के जैसे लोग आपको भूल समझ के आपका प्यार को तोड़ देते हैं, उस समय आप जिसको प्यार करते हो उसको छोड़ नहीं देना चाहिए। राघव के बनो, राघव के तरह बनो, क्योंकि जिसको आप प्यार कर लिया और जो आपको चाहता है, मगर उसका चाहत आपके पिता माता नहीं मुमकिन होने दिए, उस सच्चे आशिक आपके लिए ज़रूर आपके बुरे वक्त में और अच्छे वक्त में
आपके साथ रहेगा। ये राघव एवरी एपिसोड्स में, सब एपिसोड्स में राघव प्राची के बुरे वक्त में, प्राची के खराब वक्त में उसके साथ रहा। जब राघव जानते थे कि उसके साथ प्राची का शादी नहीं हो सकती है, अब फाइनल बारे अच्छे लगते हो सीजन टू में हम देख चुके हैं कि राघव प्राची से के साथ शादी हुआ है, मगर इस मौके, इस एंडिंग पे राघव कभी नहीं आ सकता, कभी राघव सोच भी नहीं सकता कि वो ये एंडिंग में आएगा। कोई एंडिंग के होप राघव के पास नहीं था, राघव सिर्फ और सिर्फ प्राची के लिए उसके बुरे वक्त में उसके साथ मौजूद था। क्या आप में राघव जैसी बात है? क्या आप में वो आशिकी हैं जो आप जिसको चाहते हैं, जिसका पिता माता आपको निकाल दिया है ज़िंदगी से, अगर जो आशिक आपके लिए इतना बेताब था मगर आपके पिता माता उसको निकाल दिया है, वो आशिक अभी भी आपके बुरे वक्त में आपके साथ है, आपके खुशी के वक्त में भी साथ है, मगर जो आपके साथ शादी करता है, जो आदमी आपके पिता माता आपके लिए सेटअप कर देता है, वो आदमी सिर्फ आपके अच्छे वक्त में ही आपके साथ है। ये स्टोरी लाइन मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये स्टोरी लाइन बड़े अच्छे लगते हो सीजन थ्री में कंटिन्यू होगा। सीजन थ्री में क्या हम देख सकते हैं? अगर आप कमेंट्स बॉक्स में अभी तक नहीं लिखिए तो अभी लिख लीजिए। सीजन थ्री में ये थीम का कंटिन्यूएशन आप ज़रूर देखेंगे। क्यों नहीं? क्योंकि ये सबके ज़िंदगी का एक कॉमन स्टोरी है, जहाँ पे सब लोग एक आशिक से बिछड़ा हुए हैं, पिता माता के लिए या ज़िंदगी के कुछ झमेलों के लिए। सच्चा आशिक ज़िंदगी में नहीं आ सकती है। ये थीम सब की ज़िंदगी से रिलेटेबल है, इसलिए बड़े अच्छे लगते हो सीज़न टू के फाइनल एपिसोड्स में राघव और प्राची का शादी मुमकिन हुआ है। क्योंकि ये बड़े अच्छे लगते हो सीज़न टू और सीज़न वन के दोनों सीजन्स का जो मैसेज है सबके लिए, वो है प्यार करो तो रेडी रहो। प्यार में चैलेंजेस आएंगे बहुत भाई, मगर ये मन में रखो कि जिसको तुम प्यार करते हो, अगर तुम उसको सच्चे चाहते हो, तो उसका दोस्त की तरह भी उसके साथ बुरे वक्त में उसके साथ तुम रहो। एक दिन ऐसे आएगा कि जिसको तुमने चाहा, उसका माँ बाप या उसका परवरिश के फैमिली, वो आशिक को समझ जाएंगे। इवन इफ आशिक के हैप्पी एंडिंग नहीं आता है, ये थीम राघव ने प्रमाण किया। राघव इतने साल से जानते थे कि वो प्राची से शादी नहीं कर सकता है। एल के उसके विरुद्ध था, सब उसके विरुद्ध थे। राघव को फैमिली को टॉर्चर किया, राघव के सब कुछ लूट लिया। उसके बाद भी राघव प्राची के लिए सिर्फ एक दोस्त बन के रह गए, ये जान के कि प्राची का शादी जोश से ज़रूर होता है। मगर राघव को ये नहीं मालूम था कि एंडिंग में उसके साथ प्राची की शादी होगा। क्या आप ऐसी कोई को जानते हैं जिसके पास एक आशिक है, मगर वो आशिक को उसका फैमिली उसकी ज़िंदगी से बिछड़ दिया, और वो आशिक सोच गए कि मैं तो कभी ये लड़की और ये लड़के के साथ शादी नहीं कर सकती,
तो क्यों संपर्क रहे, हम बिछड़ जाते हैं। मगर ऐसी कोई को आप जानते हो, कमेंट बॉक्स में बोलिए, जिसको आपने देखा है कि वो राघव की तरह उसके दोस्त उसके बुरे वक्त के लिए सब समय रेडी रहता है, और एक दिन, एक साल, दो साल, तीन साल, दस साल, बीस साल के बाद उस पेशेंस से कन्विंस करता है उस लड़की या लड़के की फैमिली को कि वो ही हैं जो उसको सच्चे मोहब्बत करते हैं। सब सच्चे मोहब्बत को शुरू में सोसाइटी, हमारा कल्चर, हमारा फैमिली गलत समझते हैं। यूजुअली हमारा ज़िंदगी, हमारा मोहब्बत एक खराब, एक भूल आदमी से या भूल लड़की से हो जाती है। ये थीम बड़े अच्छे लगते हो तुम्हें, हमने एवरी एपिसोड में देखा है और बड़े अच्छे लगते सीजन थ्री में हम इसका कंटिन्यूएशन देखेंगे, क्योंकि ये है सब के लिए एक रिलेटेबल स्टोरी जहाँ पे सच्चे मोहब्बत को भूल समझ जाते हैं फैमिली के लिए, फैमिली की तरह से, और स्टेटस, पैसा, जो राघव के पास कुछ नहीं था जब वो प्राची को चाहते थे, सिर्फ जोश के पास था वो स्टेटस, उसके बाप सिद के पास था वो स्टेटस, उसके फैमिली के पास था वो दौलत, मगर राघव के पास था सिर्फ और सिर्फ प्राची के लिए मोहब्बत, और वो मोहब्बत अब तीन साल के पेशेंस और राघव के मेहनत राघव को सेल्फ मेड बना दिया, और अंत में उसकी शादी भी हो गई। अगर ये आपकी ज़िंदगी में हुआ है और या अगर आप किसी और को देखा है तो कमेंट बॉक्स में बोलिए, और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने भूलिए मत। देखेंगे अगले एपिसोड में, बड़े अच्छे लगते हो सीजन थ्री में।